नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार के मौजूदा 4 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कौन कौन से विधायक हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इस्तीफा क्यों दिया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और उनके इस्तीफा देने से नीतीश कुमार की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, उसको भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल हमेशा चलता रहता है। बिहार की राजनीति के किंग बने हैं इस समय, चाहे केंद्र की राजनीति में हो चाहे राज्य की राजनीति में हो, किंग तो नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि उनके 12 सांसद हैं, उनके और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में चल रही है, और बिहार के खुद मुख्यमंत्री हैं। कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में नहीं बना पाए, लेकिन किंग के तौर पर इनको बीजेपी भी स्वीकार कर लेती है और आरजेडी भी स्वीकार कर लेती है। तो नीतीश कुमार तो किंग हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाया था। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री बने थे, और लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ चले गए और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली सीट है बीमा भारती की सीट, इनकी उम्र 48 वर्ष, पति इनके अवधेश मंडल, शिक्षा 12वीं, 5 बार विधायक रह चुके हैं। और आपको मैं बताऊं, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी पूर्णिया से। पूर्णिया से जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो बहुत बुरी हार इनकी हुई, और ये पहले थी जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा इन्होंने और आरजेडी का साथ थामा, और 2000 में विधायक बनी निर्दलीय, 2005 में आरजेडी में शामिल हुई, विधायक बनी, फिर 2005 में मध्यावधि चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीती, 2010 में तीसरी बार चुनाव लड़ा और जीती, 2014 में जीतनराम मांझी सरकार में पहली बार मंत्री बनी, 2015 में विधानसभा का चुनाव चौथी बार जीता उन्होंने, और 2019 में नीतीश कुमार की सरकार में गन्ना और उद्योग मंत्रालय भी मिला, और 2020 में विधानसभा चुनाव बीमा भारती 5वीं बार जीती, और अब आरजेडी के साथ आ चुकी हैं। आरजेडी ने इनको पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था पप्पू यादव के सामने, और कहीं ना कहीं आरजेडी ने बहुत भारी गलती की थी, पूर्णिया से इनको लड़ा करके इनकी जमानत जब्त हो गई और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दल के तौर पर चुनाव जीते। और मैं आपको यहां का रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। और नीतीश कुमार से नाराज़गी बहुत पुरानी है, और जब नीतीश कुमार की पार्टी का बहुमत परीक्षण हो रहा था तब आरजेडी के पाले में जा चुकी थी बीमा भारती। तो इनको जो वोट मिला था पप्पू यादव को 5,67,556 वोट, और जनता दल यूनाइटेड को 5,43,709 वोट, और बीमा भारती आरजेडी की तरफ से 27,120 वोट। जो आरजेडी को कम सीटें आईं बिहार में, 4 ही सीटों पर आरजेडी खुद जीत पाई, गठबंधन ने 9 सीटों पर जीता। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी की तरफ से गलती थी, और बीमा भारती को ना लड़ाते, भविष्य में लड़ा देते, किसी और सीट से लड़ा देते तो इनकी नाक बच जाती। और बीमा भारती की सीट पर अब उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब मामला हो चुका है, भाई जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुई है। अगला नंबर आता है जीतनराम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इनकी पार्टी है, और गया सीट से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, और पहले गया के इमामगंज से विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। तो अब केंद्र में मंत्री भी इनको बनाया गया है। इन्होंने कुमार सर्वजीत राष्ट्रीय जनता दल को इन्होंने 1,01,812 वोटों से हराया, तो आप समझ सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दलित चेहरे के तौर पर हैं, तो अब विधायक से सांसद जब बन चुके हैं तो इनको विधायकी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला नंबर आता है इनका नाम क्या है, इनका नाम मैं आपको आगे बताता हूँ, सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक हैं और बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी थे, और मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, और इन्होंने भी विधानसभा का चुनाव जीता था, अब लोकसभा का चुनाव लड़ा और बक्सर से लोकसभा का टिकट मिला, और बक्सर से इन्होंने अश्विनी चौबे को चुनाव हरा दिया, और यहाँ पर अब उपचुनाव होने वाला है, यानी कि आरजेडी के विधायक हैं, यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर इनको जो वोट मिला था 4,38,345, यानी कि सांसद बन चुके हैं, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी
से मिथिलेश तिवारी लड़े थे 4,08,254 वोट, और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी लड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है। अगला नंबर आता है सुदामा प्रसाद, आरा बिहार से हैं, और इन्होंने भी आरा से लोकसभा का चुनाव जीता और विधायक थे, अब ये सांसद बन चुके हैं, और यहाँ पर भी अब विधानसभा का उपचुनाव होगा, और यानी कि एनडीए के दो विधायक कम हो जा रहे हैं और इंडिया के भी दो विधायक कम हो जा रहे हैं। अगला नंबर मैं आपको बताता हूं, पहले इनका देख लीजिए प्रदर्शन कैसा रहा। 48% वोट मिला इनको, महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी को 4,69,574 वोट मिला। तो वहीं पर निर्दलीय को मिला 23,635 वोट। तो अभी तक मैंने आपको तीन विधायक ऐसे बताए जो सांसद बन चुके हैं। एक विधायक जो है पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी आरजेडी से, उनके ऊपर दल विरोधी कानून लगा है, तब उनकी विधायकी गई है। तो एक विधायक और है, कुल मिलाकर के पांच विधायक ये हैं आपके सामने, जे देवेश चंद्र ठाकुर, ये अभी विधायक थे, अभी सांसद बन चुके हैं सीतामढ़ी से। तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है। अब लोगों के मन में एक शक है कि अगर मान लीजिए आरजेडी जितनी भी सीटों पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, अगर सभी सीटों को जीत लेती है तो क्या वह सरकार बना पाएगी? क्योंकि आप देखते होंगे समय समय पर कि बिहार में जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है किसी की, तो यहाँ पर टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के एकाध विधायक भले टूट जाएं और अफवाह उड़े चाहिए इतना टूटते नहीं हैं। विधायकों के स्थिति के बाद बिहार विधानसभा में नए समीकरण बन गए हैं, दो गठबंधन के और दो इंडिया अलायंस के, दो दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, और 122 विधायकों के समर्थन से सरकार बनती है। नीतीश कुमार की एनडीए के पास 2024 में फ्लोर टेस्ट हुआ था, जिसमें उनके पास 129 विधायक थे, 122 से है पूर्ण बहुमत और 129 विधायक उनके पास थे। अब अगर चलते हैं, आरजेडी के तीन विधायक भी नीतीश कुमार के पाले में चले गए थे, आरजेडी के तीन विधायक भी गए थे, तो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया तो 125 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को मिला था। कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया अलायंस को के पास 112 विधायक हैं, आरजेडी सहयोगी है, बीमा भारती रुपौली विधानसभा पर उपचुनाव होगा, और आरजेडी के तीन विधायकों की सीटें पर भी जल्द ही उपचुनाव होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आरजेडी सभी जीत ले तो उसके पास 112 और 112 चार मान लीजिए 116 विधायक होंगे, तब भी कहीं ना कहीं आरजेडी पूर्ण बहुमत में नहीं जा पाएगी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आरजेडी ने कहीं ना कहीं बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई लोकसभा के लिहाज से, आने वाले समय में विधानसभा में क्या होता है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।